स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुई स्टूडेंट। जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, यानी मैंने आपका मध्यकालीन का जो न्यू सिलेबस है उसको अपलोड कर दिया है और उसकी यूनिट्स को कंप्लीट करवा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपकी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 दोनों कम्प्लीट करवा ली हैं, जिसमें आपको पढ़ना था प्रारंभिक तुर्क और जितने भी सल्तनत काल थे वो आपके दो यूनिट के अंदर में आपको पढ़ना था, तो वो पूरा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो है मुगल वंश, जिसमें आपको पढ़ना है बाबर और हुमायूं। बाबर के बारे में पढ़ना है, हुमायूं के बारे में पढ़ना है और शेरशाह के अंतराल में प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली के विशेष संदर्भ में। ये आपका यूनिट नंबर 3 है, जो कि ये सभी आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो दो यूनिट्स मैंने आपकी कंप्लीट करवा ली हैं उनमें आपको पढ़ना था सल्तनत काल के बारे में। तो देखिए, आप जब सल्तनत काल का अंत होता है तब वहाँ से शुरुआत होती है मुगल वंश की, क्योंकि सल्तनत काल का जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, तो उसी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके भारत पर आक्रमण किया और उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और उसके बाद मुगल वंश की नींव डाली थी। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स देखिए कि मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तब भारत की राजनैतिक शक्ति कैसी थी, तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो वो धीरे धीरे कम हो रही थी और देश की जो राजनैतिक एकता थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी, यानी देश में मतलब एकता नहीं थी, सभी राज्य अलग अलग राज्य थे, लोग अलग अलग राज्यों पे शासन कर रहे थे, तो इसलिए राजनैतिक एकता थी वो मतलब एक नहीं थी, वो छिन्न भिन्न हो गई थी। और देखिए, और अनेक राज्यों का उदय हुआ था, जैसे बहमनी राज्य और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई थी। और उसके अलावा देखिए स्टूडेंट, इनमें से जितने भी राज्य थे इनमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जो अपने देश की रक्षा के लिए सभी राज्यों में एकता का सूत्र बांध सके, यानी हर कोई यही चाहता था कि बस वही अधिकार करे, वही शासन करे, कोई राज्य ऐसा नहीं था जो ये सोच रहा हो कि वो अपने देश की रक्षा के लिए सभी राज्यों में एकता बनाए। तो देखिए, यही जो राजनैतिक एकता का अभाव था भारत में, उसी को देखते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला और उसने भारत पर आक्रमण किया। तो जब उसने भारत पर आक्रमण किया था तब दिल्ली में सल्तनत काल था, इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था दिल्ली पर, तो उसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया, पानीपत का पहला युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। और देखिए सुरेश, इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था सल्तनत काल का जो भूमि जंग भूमि में मारा गया था। अभी सुरेश देखिए, मुगल साम्राज्य जो था उसमें कितने शासक थे, तो देखिए बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसी ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो देखिए, बाबर 1526 ईस्वी में डालते हैं मुगल वंश की नींव और 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद देखिए ना, उसके बाद आते हैं हुमायूं, जो कि बाबर के पुत्र थे, इन्होंने 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद देखिए, हुमायूं का जो शासन काल था वो शेरशाह सूरी से कुछ युद्ध के दौरान खत्म हो गया था। तो देखिए, हुमायूं फिर दोबारा से शासक बनते हैं, तो 1555 में वो दोबारा वापस आते हैं और 1555 से 1556 तक शासन करते हैं। उनके बाद अकबर का शासनकाल आता है और अकबर 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक शासन करते हैं। उनके बाद जहांगीर आते हैं और जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन करते हैं। उनके बाद आते हैं औरंगजेब, औरंगजेब 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं।
अब देखिए सुरेश, बाबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य में जितने ये जब जितने भी शासक थे सभी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तो इन सभी के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो इसलिए आमतौर पर 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पढ़ा जाता है, क्योंकि यहीं तक क्या था, मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और उसके ये सभी शासक भी बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन उनके बाद भी बहुत से शासक मुगल साम्राज्य में आए जिन्होंने शासन किया, लेकिन आमतौर पर ही सुरेश इतना ही पढ़ा जाता है और एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब देखिए औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह, जो 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये सभी मुगल शासक ही थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर औरंगजेब तक यानी 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक ही मुगल साम्राज्य को पढ़ा जाता है। अब देखिए बहादुर शाह जिन्होंने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया, फिर इनके बाद जहांदार शाह आए जिन्होंने 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किया, उनके बाद फरखुशियार जिन्होंने 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन किया, अब इनके बाद रफी उल दर्जत जिन्होंने 1719 ईस्वी में ही सिर्फ शासन किया, यानी रफी उल दर्जत ने सिर्फ 28 फरवरी से लेकर 6 जून तक 1719 ईस्वी में ही शासन किया, यानी सिर्फ कुछ महीने ही उन्होंने शासन किया। उसके बाद देखिए शाहजहां द्वितीय जिन्होंने 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक शासन किया, यानी इन्होंने भी बस 1719 के कुछ महीने में शासन किया। उनके बाद देखिए मोहम्मद शाह जिन्होंने 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन किया, उनके बाद अहमद शाह बहादुर जिन्होंने 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन किया, फिर आलमगीर द्वितीय जिन्होंने 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक शासन किया, फिर उनके बाद शाहजहां तृतीय जिन्होंने 1759 से लेकर 1760 ईस्वी तक शासन किया, फिर उनके बाद आलम शाह द्वितीय जिन्होंने 1760 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया, फिर उनके बाद अकबर शाह द्वितीय जिन्होंने 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन किया, फिर उनके बाद आ जाते हैं मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिन्होंने 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया, फिर यहीं से मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब देखिए सुरेश, बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य का जो साम्राज्य था बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, तो इतना ही ज्यादातर पढ़ा जाता है और एग्जाम में यहीं से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और देखिए लेकिन फिर भी सुरेश आप लोग ये सारी चीजें याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य में कितने शासक थे, संस्थापक कौन था। देखिए औरंगजेब तक तो आप सभी को याद होगा, उनके बाद ये सब तो आपको नहीं भी याद है तो फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग बस इतना याद कर लीजिएगा कि मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला था और इसके अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो लोगों को ख्याल आता है कि औरंगजेब थे, तो औरंगजेब नहीं थे, बहादुर शाह द्वितीय इसके अंतिम शासक थे। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि मुगल साम्राज्य में कितने शासक थे, कब से लेकर कब तक शासन किया। अब आ जाइए मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़िए बाबर के बारे में जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। देखिए बाबर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, जिसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। देखिए मुगल वंश के जो संस्थापक बाबर थे उनका जो वास्तविक रियल नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खान के वंश के थे
अब देखिए जो बाबर के पिता थे वो तैमूर के वंश के थे और जो बाबर की माता थी वो चंगेज खान यानी मंगोलों के वंश की थी। तो इसलिए तैमूर और मंगोल यानी दोनों के वंश को मिला के मुगल की स्थापना हुई थी और ये दोनों वंश जो कि बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए जब इन दोनों वंश से मिलकर मुगल वंश की स्थापना हुई तो मुगल का मतलब होता है बहादुर, क्योंकि इनके पिता क्या थे, तैमूर के वंश के थे और माता मंगोलों के वंश की थी। तो जब तैमूर और मंगोल दोनों के वंशजों को मिला दिया जाए तो मुगल वंश की स्थापना होती है और मुगल का मतलब है बहादुर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। देखिए जो बाबर के पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत थी फरगना, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है, तो वहाँ के वो शासक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। देखिए जब बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब बाबर फरगना के शासक बनते हैं और उस टाइम बाबर की जो एज थी लगभग 11 वर्ष की थी, यानी सिर्फ 11 साल की उम्र में ये फरगना के शासक बनते हैं। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। देखिए बाबर अपने जो तैमूर उनके पूर्वज थे जो पहले रह चुके हैं तैमूर लंग, तो तैमूर लंग का जो साम्राज्य समरकंद था तो बाबर उनको भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। देखिए वो समरकंद को भी जीतना चाहता था और उसके अलावा बाबर ने काबुल पर भी अपना अधिकार जमा लिया था और फिर उसके बाद वो भारत की ओर आकर्षित हुआ। तो जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इसके राज्यों पर अलग अलग शासक थे जो शासन कर रहे थे। तो उस टाइम राजनीतिक जो एकता थी भारत की वो बहुत छिन्न भिन्न हो गई थी। तो भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को अच्छा मौका मिला और बहुत सारा सहयोग भी मिला था उसको। बाबर को भारत के जैसे दौलत खां का सहयोग मिला था, उसके अलावा इब्राहिम लोदी के चचा ने भी उनको आमंत्रित किया था भारत में आने के लिए। तो उनको सहयोग भी मिला और अच्छा मौका भी मिला था, तो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। आप देखिए बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, इब्राहिम लोदी जब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको लोदी वंश के बारे में पढ़ाया था और लोदी वंश सल्तनत काल का अंतिम वंश था। तो उसमें जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का आखिरी शासक था, तो इनके बारे में तभी मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया है। तो आप इसके पहले वाली अगर वीडियो देखेंगे तो यहाँ का ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इब्राहिम लोदी के जो विरोधी थे बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी के बहुत सारे विरोधी थे जो मतलब इब्राहिम लोदी को शासन की गद्दी से हटाना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि बाबर को यहाँ पर लाएं, आक्रमण करेंगे बाबर, तो हम उनकी सहायता से स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करेंगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था और देखिए बाबर भी क्या चाहता था कि वो भी भारत पर अधिकार करके यहाँ पर अपना एक स्थायी साम्राज्य बनाना चाहता था। तो बाबर को मौका भी मिला कि भारत के ही कुछ लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया और साथ ही साथ राजनीतिक एकता भी छिन्न भिन्न थी, तो बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने का अच्छा मौका था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया, उसने अपना तोपखाना भी सुजित कराया। देखिए बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को बहुत अच्छी से तैयार कराया। बाबर की जो सेना थी वो बहुत शक्तिशाली थी और बाबर ने तोपों का तोप भी लेकर आए थे। जब वो भारत पर आक्रमण किए थे तो वो तोप भी लेकर आए थे। तो एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया, तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। देखिए पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान लोदी,
उन्होंने ही दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, ताकि वो ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी का शासन समाप्त हो जाए। और बाबर का भी एक मकसद था कि वो भी भारत पर मतलब अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अब देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इब्राहिम लोदी के मरने से लोदी वंश और साथ ही साथ सल्तनत काल की भी समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। किनके बीच में हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो बाबर विजयी हुआ। ये सभी प्रश्न छोटे छोटे हैं मगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर किसी भी बड़े एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, और साथ ही साथ आपके सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर तथा इब्राहिम लोदी का सामना हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। देखिए भारत के किसी भी शासक के पास उस टाइम तोप नहीं थी। बाबर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो तोप को लेकर आया था, तो इसलिए प्रश्न आ जाता है कि तोप का यूज पहले भारत में किसने किया, तो बाबर ने किया था पानीपत के मैदान में जब प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था तब। बाबर के पास कुशल घुड़सवार थे, उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। देखिए सुरेश, बाबर के पास कुशल घुड़सवार भी थे जो अच्छी घुड़सवारी करते थे और युद्ध के मैदान में काफी अच्छे से युद्ध कर रहे थे, और जो बाबर की सेना थी वो बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। देखिए बाबर की सेना लगभग 12,000 की थी और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो 1,000-1,00,000 के लगभग थी, यानी 12,000 बाबर की सेना और 1,00,000 के करीब इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के प्रथम युद्ध में थी। और जो बाबर की सेना छोटी थी और साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी कि किस तरह से युद्ध करना चाहिए। फिर देखिए तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं किस तरह युद्ध हुआ था, तोप कौन यूज किया, कितने सैनिक थे, कितनी सेना थी, सभी चीजें। तो देखिए तोप जो सजाई गई थी, बाबर जो तोप लेकर आया था युद्ध करने के लिए, तो उसको एक बहुत ही अच्छी विधि के द्वारा सजाया गया था, बनाया गया था ताकि युद्ध को जीता जा सके। तो जिस विधि का यूज किया गया था उसे उस्मानी विधि कहा जाता है। उसके बाद देखिए तोप का संचालन उस्ताद अली कुली द्वारा किया गया था, यानी पानीपत के पहले युद्ध में जिस तोप का यूज किया गया था उसको उसका संचालन करने वाला जो व्यक्ति था वो उस्ताद अली कुली था जिसने तोप का संचालन किया था। तो एक प्रश्न बन जाता है कि पानीपत के युद्ध में तोप का संचालन किसने किया था, तो उस्ताद अली कुली ने किया था। फिर देखिए युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया। इस रेस युद्ध में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसके पहले वाली वीडियो में कि पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और सल्तनत काल का ये पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो इसी के साथ साथ लोदी वंश का भी अंत हो गया था और दिल्ली में सल्तनत काल का भी अंत हो गया था। उसके बाद देखिए बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। जब बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीत गया तो उसने 1526 ईस्वी में खुद को बादशाह घोषित कर दिया कि वह बादशाह है, और भारत में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए अगला पॉइंट है कलंदर की उपाधि। देखिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। देखिए बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई। देखिए जब बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की थी, यानी जब वो काबुल पर अपना अधिकार जमा लिए थे, तो जीत होने की खुशी में उन्होंने काबुल के हर एक नागरिक को एक सोने का सिक्का दिया, मतलब खुशी से दिया। तो वहाँ की जनता उनके दान पीड़ता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और खुशी में उनको वहाँ की जनता ने कलंदर की उपाधि दी थी। तो बाबर को उनकी काबुल की जो जनता थी
उन्हें कलंदर की उपाधि दी थी। तो प्रश्न बन जाता है कि बाबर को कलंदर की उपाधि किसने दी? तो काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। और क्यों दी थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, तो एग्जाम में पूछ दे तो आप इसी तरह से लिखिएगा। स्टूडेंट्स अब आ जाइए अपना अगला टॉपिक देखिए, बाबर और राजपूत। राजपूत वंश था एक, तो अब बाबर और राजपूत वंश के बीच जो युद्ध हुआ उनके बारे में पढ़िए। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। यानी चित्तौड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह थे वो बाबर के सबसे बड़े दुश्मन थे और शक्तिशाली दुश्मन थे। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। यानी चित्तौड़ के जो महाराणा थे वो संग्राम सिंह थे, वो राणा सांगा के नाम से बहुत अधिक फेमस हैं। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। देखिए जो राणा सांगा थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो बाबर के वो दुश्मन थे, लेकिन बाबर ने खुद भी उनके बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर ही भारत में जो स्थान प्राप्त किया था वो अपनी वीरता के बल पर ही प्राप्त किया था, क्योंकि राणा सांगा भी बहुत शक्तिशाली थे। अब देखिए खानवा का युद्ध। देखिए बाबर ने जो पहला युद्ध किया था भारत में आकर, वो पानीपत का पहला युद्ध था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और वो 1526 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। देखिए बाबर का भारत में आने के बाद ये दूसरा युद्ध था, खानवा का युद्ध, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद लड़ा गया था, और यह युद्ध 1527 ईस्वी को हुआ था राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, बाबर जीत गया था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप देखिए क्या क्या हुआ था। इस युद्ध के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको समझिए। जब इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था उसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। यानी जो राजपूतों बहुत शक्तिशाली थे, प्रतिष्ठा का जो प्रभाव था उनका वो खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, क्योंकि बाबर इस युद्ध में विजयी हो गया था। दूसरा पॉइंट है मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। यानी मुगल वंश की जो नींव बाबर ने डाली थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। देखिए सुनेश एक प्रश्न और बनता है कि बाबर ने भारत में आने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा? तो बाबर ने भारत में अंदर आने के लिए पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। और उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि बाबर ने अपने मुगल वंश की जो नींव डाली थी वो कब एकदम सुदृढ़ हो गई, यानी बाबर एकदम अस्थाई रूप से भारत में बस गया है? तो वो युद्ध था खानवा का युद्ध, जब बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा और इसमें जीत गया तो उसके मुगल वंश की नींव और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। तीसरा पॉइंट है राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना भी अधूरा रह गया था, क्योंकि दिल्ली पर बाबर का पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। उसके बाद है युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। जब बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया था तो उसने गाजी की उपाधि धारण की, इसका मतलब था कि काफिरों को मारने वाला, तो इसलिए उसने इस युद्ध को लड़ने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। अब देखिए तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। ये खानवा के युद्ध के बाद लड़ा गया था और इसको 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनिया और बाबर के बीच लड़ा गया। देखिए ये बाबर का तीसरा युद्ध था भारत में आने के बाद, चंदेरी का युद्ध, और ये युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी के जो शासक मेदिनिया थे और बाबर, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हो जाता है, यानी इस युद्ध को भी बाबर जीत लेता है। अब देखिए चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध, जो चंदेरी के युद्ध के बाद लड़ा गया था और यह युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच में यह युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हो जाती है।
देखिए महमूद लोधी जो था वो इब्राहिम लोधी का भाई था और महमूद लोधी ने बिहार पर अधिकार जमाकर वहां पर वो शासन कर रहा था। तो इसने महमूद लोधी ने कई बार बाबर के राज्य के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, तो फिर बाबर ने भी क्या किया कि उसके राज्य की ओर बढ़े यानी बिहार की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़े। तो वहां के जितने भी लोग थे यानी जो महमूद लोधी के जो भी अफगानी शासक थे वो बंगाल भाग गए थे अपने आप को बचाने के लिए, और महमूद लोधी भी अपने आप को बचाने के लिए बंगाल चला गया था। और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हो जाती है और यह युद्ध बाबर का आखिरी युद्ध था। यानी बाबर ने भारत में फिर इसके बाद कोई युद्ध न लड़ा। बाबर ने पूरा 4 युद्ध लड़ा था, पहला पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध, और चारों युद्ध में बाबर की ही जीत हो जाती है। और देखिए घाघरा का युद्ध इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह घाघरा नदी के किनारे पर लड़ा गया था। उसके बाद देखिए 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। देखिए सुरेश जो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था तो वो बाबर का आखिरी युद्ध था। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट्स बाबर के बारे में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए उनके युद्ध के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बाबर के बारे में, उनको भी समझ लीजिए क्योंकि ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। यानी बाबर को कलम का सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर एक साहित्यकार थे और ये लिखा भी करते थे और उन्होंने अपनी खुद आत्मकथा लिखी है। और तलवार दोनों के सिपाही इसलिए थे कि उन्होंने ये जो भी युद्ध लड़ते थे वो जीतते थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने हर एक युद्ध में विजयी हुए, तो इसलिए बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। तो एक प्रश्न बन जाता है कि मुगल काल के किस शासक को तलवार और कलम दोनों का सिपाही कहा जाता है, तो बाबर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए वह उच्च कोटि के साहित्यकार थे। देखिए जो बाबर थे उनको साहित्य के प्रति भी बहुत ज्यादा रुचि थी और वो खुद भी एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जो तुर्की भाषा में है। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी है, जो तुजू के बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो आत्मकथा है वो तुजू के बाबरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। और देखिए इनकी जो आत्मकथा तुजू के बाबरी है उसका फारसी में भी अनुवाद किया गया है। तो इसको जब फारसी में अनुवाद किया गया तो इसको बाबर नामा कहते हैं। यानी जो तुर्की भाषा में है उसे तुजू के बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है, और जब इनकी आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किया गया तो वो बाबर नामा के नाम से फेमस है, जो अब्दुल रहीम खाना खाने किया है। यानी इनकी आत्मकथा का जो फारसी में अनुवाद किया है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। तो स्टूडेंट्स ये सभी बाबर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब इसके अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो अपनी सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।